एकदम हीरो हो गए अभी बने। हाँ बैठा बताओ सर, यहाँ बैठा जाए। कौन थे पहले बिहार में ये? अच्छा अच्छा, अभी कहाँ है? अभी इनके बारे में जानते हो अभी कहाँ है? चलो डालो डालो ना। आप सुनो, एडमिनिस्ट्रेटिव का कहीं अगर हिंदी करने चाहे कि और पुलिस का हिंदी करने चाहे कोई जो है इंग्लिश का हिंदी करने तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम इतना उनका शिकायत कर दी हो तो वो डर लगता है कि सर देखिए अगर से निकाल देंगे स्कूल सब ऐसा भी स्कूल में कोई पढ़ा नहीं होता सर, तो स्कूल सब निकाल भी चाहे वो मार भी दो तो एक दस भक्ति के अच्छी में मरेंगे, ऐसा थोड़ी कि हार करके मोदी जी के अंदर पढ़ना चाहते हैं। यस सर, सैनिक स्कूल में हम एडमिशन कराना चाहते हैं। कितना खुश है सोनू? आपको हमेशा सर बार बार नाम लेता था आने वाले। आप सोनू हीरो बनना क्या? हम दूसरे काम से आए तो हमने कहा कि यहाँ भी होते हुए हम जाएंगे। बिहार का तकदीर है, भविष्य है। सोनू एक बात बताओ, सुशील कुमार मोदी जी को कैसे जानते हो? इनको हम मैंने नाम सुने थे तो भी देखे थे। अच्छा, आज देख लिए, आज खुश हो? तो क्या डिमांड हुआ? अच्छा अच्छा, हम सर से यही बोले कि नवोदय में एडमिशन चाहते हैं। नवोदय में एडमिशन चाहते हैं और क्या डिमांड चाहते हैं? और भैया कैमरा पीछे कर दिया। सर तो नवोदय में नवोदय चाहते हो, लेकिन अभी नवोदय का बदलना नहीं, रोज नए नवोदय नवोदय विद्यालय में कपड़ा होंगे। डीएम साहब से बहुत सी परेशानी है, जैसे कि करकट में तपते हैं तो मैंने हम तो चल जाएंगे सर, लेकिन माँ बाप को तो ठीक होगा, माँ बाप तो हो करे, माँ बाप को तो खुशी होगी कि तुम आगे बढ़ो, उसी मन तो सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम आगे बढ़कर अपने माँ बाप की चिंता करो, ताकि वो भी होगा जो करना होगा करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा पढ़ाई जो है ना। तुम वहाँ पर पहुँचे उस दिन कैसे? साइकिल से गए थे? यस सर, साइकिल से। किसका साइकिल? मामू दिए थे। वो है मामू। कौन है मामू? कौन है मामू? आइए जी। आप दिए साइकिल? जी। अच्छा, तो कितना बड़ा साइकिल तुम चलाते हो जी? कैची वाला साइकिल चलाते हो? ऊपर बैठ कर या ऊपर बैठ कर चलाते हो? अरे बंद करो यार, कितना दूर है यहाँ से? कल्याण बीघा 3 किलोमीटर। और इतना भीड़ में तुम पिछाए नहीं, कुछ लाए नहीं? बाकी किसी भी प्रकार का कॉपी किताब कपड़े के लिए बाकी के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। और इतना तेज बच्चा, इस उम्र में इतना तेज बच्चा जिसका जनरल नॉलेज भी इतना तेज हो, गांव में रहने वाला गरीब घर का लड़का, ये बहुत होनहार बच्चा। और मुझे पूरा भरोसा है ये बच्चा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने डीएम को डीडीसी को आदेश दिया है, और उसी प्रकार तो ये इस बच्चे ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मीडिया ने इसके इंटरव्यू वगैरह लेकर, और जो शिक्षा की जो दिक्कत है, कठिनाई है, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसको पूरे देश का ध्यान और उसकी ओर आकर्षित किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और ये वहाँ पहुँच कर इन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया, इतना प्यारा बच्चा है और इतनी हिम्मत की बात कि इस उम्र में गरीब बच्चों को पढ़ाता है, 30-35 बच्चों को पढ़ाता है, ये बाकी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है, बाकी लोगों के लिए भी एक दिशा निर्देश है। एक छोटा बच्चा भी गरीब जरूर है, लेकिन अपने से भी गरीब बच्चों को और पढ़ाने का काम करता है, यह एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना इसके प्रति है और मैं इसकी पूरी मदद करूंगा। सर सोनू सैनिक स्कूल में साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में गया,
और हिम्मत के साथ आराम से नीचे की तरह के इस बच्चे ने इस देश के लाखों बच्चों को एक नई ऊर्जा नया उत्साह पैदा किया है और अपनी बात को बहुत विभाग तरीके से रखा, चाहे वो अपने घर के पिताजी के बारे में हो, और सरकार इनको मदद करेगी। मेरी चलने के पहले डीएम साहब से बात हुई थी, डीएम ने कहा कि जहां वो चाहेगा तो इसने नवोदय विद्यालय जो है इसने नामांकन के लिए सुझाव दिया था, तो डीएम साहब ने कहा कि मैं नामांकन नवोदय।